केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। पशुपति पारस का दावा है कि 2024 से पहले बिहार की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि महागठबंधन में प्रधानमंत्री पद की दो दावेदार नीतीश कुमार और राहुल गांधी है। वहीं पारस की भविष्यवाणी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पशुपति पारस को खुशी मनानी चाहिए। क्या लोकसभा चुनाव से पहले गिर जाएगी बिहार सरकार? क्या महागठबंधन में डमी मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार? क्या पीएम पद पर राहुल नीतीश में छिड़ेगा तकरार? बिहार में कितने दिनों तक सरकार चलेगी, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भविष्यवाणी की है। पशुपति पारस का दावा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार सरकार गिर जाएगी। ये मेरा स्पष्ट कहना है कि एक मियान में दो तलवार नहीं रहता और एक जंगल में दो शेर नहीं रहता। ये विपरीत परिस्थिति है। लोकसभा चुनाव के पहले निश्चित रूप से बिहार की सरकार जो है वो सरकार गिर जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन कुछ भी छूट कहा है कि सरकार तुरंत गिर जाएगी 2024 लोकसभा से पहले। नहीं तो जो कह रहा है तो उसको खुशी मनाइए उसको। इतना ही नहीं, पशुपति पारस ने एक और भविष्यवाणी की है। पारस ने कहा कि महागठबंधन में प्रधानमंत्री पद के नीतीश कुमार और राहुल गांधी दावेदार हैं, इसकी वजह से कलह की स्थिति बनेगी। जवाब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दिया। इस गठबंधन में कांग्रेस भी है जिसके नेता राहुल गांधी जी हैं, जो देश के प्रबल दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के, और इस गठबंधन में नीतीश जी भी हैं, वो भी दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के। अब तेजस्वी यादव जी को फैसला करना है, सरकार चलानी है तेजस्वी यादव को, तो उनको फैसला करना है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे या नीतीश कुमार जी होंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होंगे, हमारा नेता ने स्पष्ट कहा है उसमें कि वो जो भाजपा विरोधी जितने मत हैं उन सारे मतों को एक मत करने का और एक प्लेटफॉर्म पर लाकर भाजपा हटाओ और देश बचाओ, ये उनका मुहिम है और इसके लिए हम लोग ने काम कर रहे हैं। तो आज जो भी कुछ लोग बोल ले, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता नीतीश को चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बयान का समर्थन कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी दबाव में लग रहे हैं। एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, सारा निर्णय तेजस्वी यादव ले रहे हैं, इसलिए 24 से पहले निश्चित तौर पर सरकार गिरने की संभावना बनी हुई है। वहीं आरजेडी ने पलटवार किया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुक्त भारत बनने जा रहा है, बिहार में महागठबंधन अटूट है। पारस जी जो बातें कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार 24 के पहले गिर जाएगी, तो उसकी संभावना पूरी लग रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काफ़ी दबाव में लगता है और यहां पर एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सारा निर्णय ले रहे हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा है कि मंत्रिमंडल का निर्णय भी वही आगे लेंगे। केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति पारस जी कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन में खटपट है, 2024 लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में सरकार गिर जाएगी। ये भविष्य वक्ता कब से बन गए आदरणीय पशुपति पारस जी? अगर आपका खटपट बीजेपी से चल रहा है तो वो बताइए। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा मुक्त भारत बनने जा रहा है। बिहार की सियासत में शिगोफे का बाजार गर्म है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बयान का कोई आधार नहीं है, बावजूद सियासत गरमाई हुई है। निषेध, जी मीडिया, पटना।